कैसे बेटा आप लोग प्रोग्राम कैसा लग रहा अच्छा। है आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे माशाल्लाह ठीक है जी नाजिक राम क्यू टी वी की ख़ुसूसी नशरियात और माहिर रबी रवल की नस्बत से नबी मुकदम सल्म की मुबारक तालीम के हवाले ऐसी हमारे प्रोग्राम है प्यारे नबी सारी बातें कोशिश है कि बहुत बुनियादी बातें दीन के हवाले से जो हमारे प्यारे पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेता फरमाई उनको हम सीखें समझें और उन पर अमल का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए ऐसी ही बात है ना हम नबी सलाम की मुबारक तलिम को सीख रहे तो आज एक और बात को समझते हैं एक या दो बातें इन शीक है पहली बात यह है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल अल्लाम नेत फरमाया एक शख्स है एक बंदा है जब तक वो अपने भाई की मदद करने में लगा रहेगा तब तक अल्लाह ताला ऐसे बंदे की मदद करने में लगे, लगे रहे। लगा रहेगा क्या मतलब अगर हम लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी जरूरत को पूरा कर दे जरूरत की जमा जरूरिया ठीक है नीड्स इंग्लिश में कहा जाता है अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी जरूरियात को पूरा कर दे तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों के शाबाश अब एक सवाल ये आ सकता है भाई हम क्या किसी की जरूरत को पूरा कर सकते हैं तो सोचें अगर हम स्कूल जा रहे हो ठीक है और रास्ते में कोई मोटरसाइकिल पर जा रहा हो और उसकी कोई थैली या बैग नीचे गिर जाए तो, तो उसकी सिंपल सी बात है ना उसकी जरूरत क्या है कि उसकी थैली को या बैग को उठा के उसको दे दें मुश्किल बात तो नहीं है ना नहीं। 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 अच्छा हम स्कूल गए तो एक दिन एक स्टूडेंट नहीं आया बीमार हो गया जो कुछ भी हुआ अगले दिन अगर वो आता है तो माशाल्लाह सादा सी बात है ना मुश्किल बात तो नहीं है ना ठीक है आप स्कूल से घर में आए ओहो पता चला आज तो मेहमान आने वाले हैं तो अम्मी बेचारी अकेले काम कर रही हूँ मम्मा के साथ हाथ बटा सकते हैं मुश्किल बात है नहीं। आसान बात है चलो ठीक है अच्छा कभी हम घर से बाहर निकलते हैं तो ये। अच्छा ये जरा सी लड़कों की बात आ गई ठीक है ठीक है ना तो हम देखते हैं कि किसी की साइकिल जो पंचर हो गई तो क्या करेंगे ये भी हो सकता है या चलो थोड़े उसके साथ हम चले जाते हैं उसका पंचर वगैरह लगवा देते हैं अच्छा कभी किसी की मोटरसाइकिल खराब हो जाएगी आप क्या करते हैं पेट्रोल खत्म हो जाता है धक्का लगाते हैं ना ठीक है इसलिए मैं कहा था लड़कों के लिए बात की जा रही है सही है ना ऐसे बहुत सारी बातें होंगी कभी घर में कभी स्कूल में कभी मदरसे में कभी घर के बाहर तो अच्छे मुसलमान को करने का काम क्या है और हम तो किसके उम्मती हैं नबी नबी करीम वसल्लम के उम्मती हैं तो अल्लाह के रसूद खुद लोगों की जरूरियात को पूरा करते थे भूखों को खाना खिलाते थे जी। यतीम के साथ अच्छा सुलू करते थे बीमारों की इजाजत करते, करते थे ठीक है ना कोई किसी को पैसों की जरूरत उसको पैसे दे दिया करते थे किसी को कपड़े चाहिए हो तो उनको कपड़े देते हैं माशाल्लाह किसी को कपड़े चाहिए तो उनको कपड़े देते थे ठीक है हाँ तो ये बहुत सारे काम हैं जो हम बहुत आसानी से कर सकते इसमें ज्यादा मेहनत तो नहीं है ना तो एक बात आज हमने ये समझी जी बेटा अगर कोई बीमार हो तो उसको दवाई देते हैं हाँ अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको दवाई भी दे सकते और उसके आयादत भी करते हैं और बीमार की अदत भी ठीक है अच्छा अब अब इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं। तो पहली बात आज हमने ये समझी कि जब तक हम किसी की मदद करने में लगे रहेंगे अल्लाह ताला हमारी ताला मदद करने में लगा रहेगा और हमें मदद की तो बहुत जरूरत है ना तो हम अगर चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ता मदद करे तो हमें चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए एक बात हो गई दूसरी बात अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी के ऐब पर पर्दा डालोगे तो अल्लाह तुम्हारे ऐब पर पर्दा, पर्दा डालेगा डाले। भाई वाह भाई वाह अगर कोई झूठ बोलता है हम उसके हम उसके हम उसके झूठ पे पर्दा डालते हैं किसी को नहीं बताते तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को हमारे झूठों को और और के, और के बुरे कामों को अल्लाह तमारे ऐबो पे पर्दा डाल के रखता है माशाल्लाह तो दूसरी बात अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाई अगर तुम दूसरे के गुनाह पर ऐब पर बुराई पर पर्दा पर पर रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा रखेगा पर अच्छा ये बात तो समझ आ गई जी नाजिक राम हम समझ आई हम लोग तो माफ़ कीजिएगा चुन चुन कर जो है ना दूसरों की बुराइयां तलाश करते हैं नुकस निकालते हैं और दूसरों को बताते हैं और है। दूसरों को बदनाम करते हैं और मोबाइल फोन पर उठाकर ऑल यू कैन टॉक जो जो बोल सकते हैं बोलते चले जाते हैं और जैसे दूसरे दूसरे ऐप पे बातें करते हैं कि ये कर ये कर रहा है वो कर रहा है कॉलों पे बातें करते है ऐसे ऐसी कर रहे हैं फैला देते हैं मतलब हर जगह है ना हाँ। तो ये अच्छी बात है

लोगों ने तो ठेका ले रखा है के इस बात का कि लोगों की टटोल टटोल कर सारी डालो अल्लाह तुम्हारे ऐप पर पर्दा डालेगा तुम दूसरे के, के गुना को छुपाओ अल्लाह तुम्हारे गुनाओं को छुपाएगा और सुनिए हम तो नबी पाक सालीम को सीख रहे कि हमें छुपाना चाहिए ना ताकि अल्लाह हमारे गुनाहों को छुपा दे।, दे अब अगर हम लोगों के पीछे पड़कर उनकी बुराइयां बयान करेंगे तो अल्लाह ताला ने अगर ये काम शुरू कर दिया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं, नहीं होंगे अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हम खुद गुनाह से भी बचे ठीक है दूसरों को भी बचाए और अगर किसी की बुराई हमारे इल्म में आ जाए तो उसको छुपाए हाँ उसकी असलाह करेंगे भाई देखो झूठ नहीं बोला करो है ना ये गलत काम नहीं किया करो उसको समझाएंगे जरूर लेकिन दुनिया वालों के सामने उसको बदनाम नहीं, नहीं करेंगे कुछ लोग होते हैं कोई उनको एक बात बताता है और कहते हैं कि किसी को नहीं बताना तो वो सबको बता देते हैं सब में आगे फैला देते हैं। वो तो रास की बात तो नहीं बतानी चाहिए ना चले ये दो बातें आज हमने बहुत अच्छे तरीके से समझी पहली बात चुगली कहते हैं ना इधर की उधर लगाना उधर की इधर लगाना इसको क्या कहते हैं चुगली करते हैं ठीक है जैसे किसी के हालात अचानक से खराब हो जाए और किसी को पता चले तो वो उससे कहता है कि मेरे इसको हालात को छुपा के रखना है कि किसी को बताना नहीं पर जो अगर वो बंदा उससे दुश्मन ही लगता है तो वो दूसरों को बताता है जानबूझ के ताकि उसके ये चीजें दूसरा लोग दूसरे बाहर वाले लोगों को पता चले ताकि उसकी बदनामी हो हां ताकि उसकी बदनामी हो तो हमें ये चाहना चाहिए कि किसी की बदनामी हो अगर हम ये हरकतें करेंगे तो अल्लाह ताला हमें बदनाम कर दिया तो फिर हम कहीं के भी नहीं, नहीं रहेंगे।, रहेंगे बस एक में रुके या यहाँ दो बातें हमारे सामने आई आज अभी हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में से दो बातों को समझा पहली बात क्या थी कि हम किसी की मदद करते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद करता रहेगा एक बात हो गई और दूसरी बात हम दूसरे के ऐप पर पर्दा डालेंगे दूसरे की बुराई पर पर्दा डालेंगे तो अल्लाह ताला हमारी बुराइयों पर पर्दा डाले रखेंगे ठीक है ताला हम इन शन बातों पर अमल करेंगे जे नाजिक कराम इन बच्चों को तो समझ आ रही है माशा और आप देख रहे हैं कितनी अफ्लुंसी के साथ ये बातें कर रहे हैं मालूम हुआ कि हमारा दीन बड़ा प्यारा है दीन फितरत है और इतने छोटी उम्र के बच्चे और बच्चियों को भी ये बुनियादी बातें समझ में आती हैं अल्लाह हम बड़ों को भी समझा दे और हमें भी सीधा रखे और हमें नेक आमाल में आगे बढ़ाए और गुनाहों से बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए अच्छा जी ये तो आज सीखने की बातें हो गई अब आज आप लोग हमें क्या क्या सुना रहे हैं तो एक एक करके हम सबकी बातें लेंगे जी बेटा सबसे पहले आप मैं आप सल्ह वसलम की का एक किस्सा सुनाऊंगा एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गरीब आप वाले वाले की खिदमत में, में हाजिर हुआ और कहने लगा मुझे कुछ मुझे मैं फ़कीर हूँ मुझे कुछ दे दो तो आप सलील वसम ने फरमाया तुम्हारे घर में जो कुछ भी है वो लेकर आओ तुम्हारे घर में जो भी है वो मुझे बताओ क्या है तुम्हारे घर में तो उस फ़कीर ने कहा मेरे घर में एक प्याला और एक कम्बल है तो आप सल्हलम ने कहा कि वो दोनों चीज़ें मेरे सामने लेकर आओ जब वो गरीब अपने घर की और वो सारी वो दोनों चीज़ें ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जाओ अब इन्हें जाके बेच कर आओ और जो पैसे मिले उन पैसों को लेके मेरे पास आओ तो वो जो गरीब शख़्स था वो जो गरीब शख़्स था वो जो अपने बेच कर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कितने पैसे मिले उसने कहा वो दो अठानी मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक अठानी से अपने घर वालों के लिए खाना ले जाओ और दूसरी अठनी से अप और एक दूसरी अठनी से एक कुल्हाड़ी लेकर आओ वो गरीब शख्स अपने घर में खाना देकर आ गया और दूसरी अटनी अठानी से जो वो कुल्हाड़ी लेकर आ गया <coughs> ने उस कुल्हाड़ी पे अपने हाथों से दस्ता चढ़ाया और कहा आप जंगल में जाके लकड़ियाँ काटो और उन्हें फिर उन्हें बेच के पैसे कमा के और लकड़ियां काटो फिर वो पंद्रह दिन बाद अपने जब हजरत अकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसके पास उसके पास बीस अठाने थे तो उस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा शुक्रिया आपने मुझे इस बारे में इतला दी कि मैं एक अपना काम कर सकूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि ने कहा वो क़यामत वाले दिन तुम ये इस उसमें नहीं मरोगे कि तुम एक फ़कीर से बल्कि तुम तुम्हारी जब मौत होगी तो तुम एक फ़कीर के तौर पे नहीं मरोगे बल्कि एक कमाने वाले इंसान के तौर पे मरोगे माशाल्लाह बहुत प्यारी बात है अच्छा अठन्नी से पता है इनकी अठन्नी पता है कभी सुना है जब हम छोटे हाँ, पुरानी बात है ना जब जब आपके जितने थे तो चवन्नी अठन्नी चलती थी क्या हाँ लेकिन ये ये जो बात हो रही तो अल्लाह के रसूल सलातम के दौर की बात हो रही जो भी करेंसी थी उसका जिक्र हो रहा था अहम बात क्या थी कि मेहनत से कमाना चाहिए और मेहनत से कमाकर अपनी जरूरियात को खुद पूरा करना चाहिए कोशिश करें कि दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े आप किसको सुनाने आपने कुछ सुनाने बेटा जी निसार तेरी चहल पहल पर हज़ार ईद रबी अव्वल निसार तेरी चहल पहल पर हज़ार ईद रबी अव्वल सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं शान तेरी में क्या कहूँ या मोहम्मद मुस्तफ़ा शान तेरी में क्या कहूँ या मोहम्मद मुस्तफ़ा साहिब तू कुरान है तेरी सलाम जराब सदर ये उन दिनों की बात है जब छठी सदी ईस्वी में ईमान इकान के तमाम से अबस तराग बुझ चुके थे तमाम आलम पर जहालत की तारीकी छाई हुई थी रोशनी देने वाले तमाम चराग बुझ चुके थे इल्मी और इखलाकी हालत का जनाजा निकल चुका था और इंसानियत की इस बेचारगी पर कायनात खाले को कायनात की रजा से फिरान की चोटी से वो सिराज मुनीर तुलू हुआ

को पत्थरों की बारिश से ज़ख्मों से चूर चूर हो जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर गुंडे उठाते हैं और फिर पत्थर बरसाते हैं और लहू लहान कर देते हैं आप पहाड़ों का फरिश्ता आता है और तयफ की बस्ती को पीस देने का हुक्म हासिल करना चाहता है मगर बारगा नबूत से जवाब मिलता है इनको छोड़ दो शायद इनकी आइंदा नस्ल अल्लाह वाहिद पर ईमान ले आए माशाल्लाह कि ताइफ का वाकया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्दा अखलाक का बयान के इन लोगों को माफ कर दिया अच्छा आपने नाम सुने मोहम्मद बिन कासिम रहमत का नाम तो सुना है ना उनके जरिए सिंध में इस्लाम आया था यह ताइफ का कबीला था एक शकीफ क्या नाम था बाके बात था, ता के बाद क्या था सकीफ ठीक है सकीफ कबीले से ताल्लुक था मोहम्मद बिन कासिम का अगर उस वक़्त सारी बस्ती मिटा दी जाती तो मोहम्मद बिन कासिम ना होते मोहम्मद बिन कासिम ना होते तो सिंध में इस्लाम ना होता समझ आई तो क्या पता खबर कि इनकी आइंदा नस्ल अल्लाह वाहद शरीक पर ईमान ले आए और किसी क्या सुनाना जी बेटा तारे की मोहब्बत उल्फत और पैरवी एक मुसलमान की ज़िंदगी का मक़सद है आप है वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे बड़ी शख्सियत है आप है वसल्लम आप वसल्लम की बुजर्गी का कोई हद नहीं आप वसल्लम अल्लाह के बाद आपसे बड़ी शख्सियत है आप वसल्लम पर हजारों दिलो जान कुर्बान कर दिए जाएं तो फिर भी इनका अदा नहीं हो सकता आप वसल्लम अल्लम सरतब हर एक मुसलमान के लिए कामिल नमूना है शुक्रिया माशा मैं एक हदीस सुनाने वाली हूँ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स चुगल खोरी करता है वो जन्नत में इब्तद नहीं जाएगा माशाल्लाह कितनी अहम हदीस का जिक्र आया कि जो शख्स चुगल खोरी करता है इधर की बात उधर लगाना उधर की बात उधर लगाना लोगों को लगा तो वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं, नहीं होगा चलिए आज हमने बहुत सारी बातें आप लोगों से सुनी और सीखी भी अलहमद आज हमने एक अहम बात क्या समझी थी पहले कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए हम दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह तो और हमें दूसरों के ऐब बुराई पर चाहिए। जब हम पर्दा रखेंगे तो अल्लाह ताला ता। माशाल्लाह जी नाजिक राम इतनी अहम बातें हैं सादा बातें हैं सबको याद भी हैं बस हम दोहराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर इन अहकाम पर और इन बातों पर अमल करने का जज्बा पैदा हो तो प्यारे नबी स वी वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें इस तालु से आज का आपने सेगमेंट व फरमाया इन ताला अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा फिर आपकी ख़िदमत में हाजिर होंगे और इन मज़ीद बातें नबी मुक्रम सला वाली वसलम की तलीमत से सीखेंगे और उन पर अमल करने का आजुन भी करेंगे अल्लाह ताली मेरी आपके हम सब तमाम मुसलमानों की मफ़रत फरमाए